हेलो फ्रेंड्स, फीफा स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपके साथ जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आरपीएफ एसआई 2018 जो एग्ज़ाम चला है उसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या जाने वाली है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बात करने वाले हैं जीएस जी के या जनरल अवेयरेंस। 50 क्वेश्चंस थे आपके, 50 मार्क्स के थे। ठीक है, उसके बाद मैथ्स, मैथ्स में आपके पास 30 क्वेश्चंस थे, 35 ही इसके नंबर थे, मार्क्स थे। इसी प्रकार रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस थे, 35 नंबर थे। टोटल क्वेश्चंस थे 120, 120 मार्क्स के थे। ठीक है, अब बात करने वाले हैं इन सारे के सारे क्वेश्चंस के बीच हम कितने अटेम्प्ट्स कर सकते थे। रीजनिंग के अंदर आप 30 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट्स कर सकते थे रीजनिंग के अंदर। ठीक है, और किसी की रीजनिंग अच्छी है वो 30 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट्स कर सकता था। मैथ्स के अंदर आप इजीली 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट्स कर सकते थे। ठीक है, ये हुए आपके क्वेश्चंस 55। ठीक है, इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं जीके। जीके में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट्स कर सकते थे। ठीक है, जीके में आप मिनिमम टू मिनिमम 35 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट्स कर सकते थे। ठीक है, इस प्रकार हम अगर बात करने वाले हैं गुड अटेम्प्ट्स, ऑल ओवर इंडिया के गुड अटेम्प्ट्स, हम किसी जोन की बात नहीं कर रहे अभी, हम ऑल ओवर इंडिया के अटेम्प्ट्स की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से जो गुड अटेम्प्ट्स है वो 80 से 90 के बीच में इसका गुड अटेम्प्ट्स निकल कर आता है। अब हम कैटेगरी वाइज बात करते हैं कट ऑफ्स की। बात करें हम जनरल, जनरल की कट ऑफ्स क्या रहने होने की संभावना है। जनरल की कट ऑफ 85 प्लस रहने की संभावना है। ठीक है, बात करें अगर हम ओबीसी की तो मान के चलो 80 प्लस, ठीक है, 80 प्लस रहने वाली है ओबीसी की कट ऑफ। एससी और एसटी की जो कट ऑफ है वो 70 प्लस ही जाएगी, 70 प्लस ही कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयरिंग करें। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद, टाटा।